आई होप आप सब अच्छे होंगे फ्रेंड्स। और आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ की एक फेमस सब्जी जो कि बहुत फेमस है और अभी सीजन चल रहा है। जैसे आप सभी सब जानते होंगे कि तिमरा भाजी या लापड़ी भाजी जिसे बोलते हैं, उसका जब फल निकलता है तो उसे हम बटकर या फिर तिमरा बोलते हैं, उसे लापड़ी भी बोलते हैं। तो इसका बहुत ही टेस्टी सब्जी बनता है। उसकी रेसिपी वैसे मैं शेयर की हुई हूँ मेरे जो पुराने वीडियो है उसमें, पर मेरे नए सब्सक्राइबर जिन्होंने इसे नहीं देखा है तो फिर से आज मैं वही सब्जी बनाने जा रही हूँ जो कि खट्टे में बनता है और भाटा के साथ बनता है। तो चलिए इसे हम बनाते हैं, खट्टे में बनाएंगे, बहुत टेस्टी बनता है। आपको अगर ये मिलता है तो आप जरूर इसे बनाइएगा, बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट सब्जी जो बनता है। तो चलिए इसे बनाने स्टार्ट करते हैं। और आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज 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 जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वहां पर बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि आपको मेरी न्यू वीडियो फर्स्ट से मिल जाएगी। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने कढ़ाई को यहाँ पे गर्म होने रख दिया है, लोहे का कढ़ाई है फ्रेंड्स, और मिट्टी का बर्तन, लोहे कढ़ाई में ज़्यादा यूज़ करती हूँ। और उसका तेल जब हमारा गर्म हो जाएगा तो फिर हम यहाँ पे थोड़ा सरसों दाल डाल देंगे, और यहाँ पर मैं सरसों का तेल ही यूज़ कर रही हूँ। और उसके बाद यहाँ पर खड़ा खड़ा मतलब यहाँ पर बीस से चीरा लगा कर हरी मिर्च डाल दिया है, और प्याज, एक प्याज को भी ऐसे टुकड़ों में काट लिया है। और इसे हम हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक इसे हम भून लेते हैं, और थोड़ा सा कड़ी पत्ता मतलब मीठा पत्ती, मीठा नीम जो बोलते हैं वो डाल देती हूँ, क्योंकि हम खट्टा सब्जी बना रहे हैं तो बहुत अच्छा फ्लेवर देता है अगर हम कड़ी लीव्स यहाँ पे डालते हैं। तो देख सकते हैं कितना अच्छा कलर दिख भी रहा है। और यहाँ पर अब मैं डालूंगी बटकर। तो बटकर ये देखिए इस टाइप से बीज है, मैंने निकाल लिया है इसका फल से, और इसे तिवरा या फिर लाखड़ी भी बोलते हैं, इसका भाजी जो का है जिसका रेसिपी आप लोगों ने पसंद भी किया है, ये उसी का फल है जो कि बहुत टेस्टी लगता है। खट्टे में बना सकते हैं हम, जैसा चाहे वैसे बना सकते हैं, मसालेदार खट्टे में सभी में बहुत टेस्टी और चटपटा बनता ही है। और इसका जो फल है वो मैं लाकर बीजा निकाल के स्टोर करके फ्रिज में रख दी थी फ्रेंड। अब कभी फल लाऊंगी तो आपको दिखाऊंगी वे फल कैसे दिखता है। तो देखिए अब यहाँ पर मैं इसको इस जो बीजा है जो बटकर जिसे हम बोलते हैं उसे हम डाल देते हैं। और इसे भी थोड़ा सा अच्छे से भुनना होता है क्योंकि थोड़ा सा हार्ड होता है, जल्दी से नहीं पकता है, तो इसे हमें अच्छे से भुनना रहता है। जब ये अच्छे से भुनेगा तभी ये अच्छे से पकता है और तभी इसका स्वाद जो है एकदम मतलब खुल के आता है, वरना उसका स्वाद थोड़ा कम हो जाता है। तो इसे हमें अच्छे से रोस्ट मतलब फ्राई टाइप से करना रहता है कि अच्छे से भून जाए एकदम, अच्छे से एक एक दाना अच्छे से इसका पक जाता है तब हम इसमें बैगन ऐड करेंगे। तो चलिए इसे चेक करते हैं। तो देखिए इसका कलर चेंज हो गया है, ये अच्छे से भून चुका है। आप चाहे तो इसको ऐसे भी हल्का सा फ्राई करके खा सकते हैं, ऐसे ही बहुत टेस्टी लगता है। और यहाँ पर मैंने बैगन लिया है, तो ये देखिए ये जो कल्याणी भाटा जो बोलते वो ली हूँ। अगर आप चाहे तो जो एक ग्रीन कलर का होता है जिसे खट्टे में ही बनाते हैं वो वाला बैगन भी ले सकते हैं, तो दोनों ही बहुत अच्छा होता है खट्टे में अगर हम बनाते हैं तो। कभी कभी वो जो ग्रीन वाला बैगन है कभी कभी थोड़ा सा कसैला टाइप से टेस्ट आ जाता है, इसीलिए उसको थोड़ा देख के लेना पड़ता है, पर ये जो भाटा है वो हमेशा अच्छा रहता है तो मैं इसलिए ज़्यादातर इसी को ही यूज़ कर लेती हूँ। तो देखिए इसे हम थोड़ा देर भूनते हैं, हमारा जो भाटा जो दिख रहा है मतलब बैगन जो है वो थोड़ा सा पक जाना चाहिए, अभी पका नहीं है। देख सकते हैं कलर उसका भी वाइट दिख रहा है, जब पक जाएगा तो कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल देती हूँ जिससे कि कलर बहुत अच्छा आता है सब्जी का। आप एक बार जरूर इसे किचन में ट्राई कीजिएगा अपने दोस्तों, बहुत ही टेस्टी सब्जी बनता है। और आजकल तो तिमरा ये जो फल है हर जगह मिलने लग गया है, भाजी भी मिलने लग गया है, पहले नहीं मिलता था पर अब लोग इसे जानने लग गए तो हर जगह मिलने लग गया है। तो देखिए अब ये जब हमारा भाटा जब अच्छे से पक जाता है थोड़ा, तब हम यहाँ पर टमाटर डाल देते हैं। तो यहाँ पर मैं कम तीन बड़ा टमाटर डाल रही हूँ काट के, और उसमें नमक डाल देती हूँ स्वाद अनुसार कि टमाटर जो है वो हमारा जल्दी से पक जाए इसलिए। और उसके बाद थोड़ा हम इसमें जो भी मसाले हैं, वैसे खट्टा सब्जी में कोई ज़्यादा मसाला नहीं डालता है, तो सिर्फ यहाँ पे मैं धनिया पाउडर और थोड़ा सा यहाँ पे हल्दी पाउडर तो डाल चुकी हूँ और मिर्ची पाउडर डालूंगी। मतलब खट्टे सब्जी में हम ज़्यादा कोई मसाला नहीं डालते हैं, सिर्फ हल्दी मिर्ची और नमक डाला जाता है और बहुत स्वादिष्ट बनता है फ्रेंड्स। इसमें बिल्कुल भी आपको लहसुन अदरक तो डालने का जरूरत ही नहीं पड़ता है। और यहाँ पर मैं इसे दही के साथ बना रही हूँ, यहाँ दही अगर मही है तो और भी बहुत अच्छा है, मही में और ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। तो ये दही मही जो भी रहता है वो फट जाता है खट्टे सब्जी में जब हम इसे डालते हैं गरम 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 में, तो इसलिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा बेसन फेंट लेती हूँ, एक या दो चम्मच आप बेसन इसमें फेंट लीजिए जिससे कि आपका जो दही या फिर मही जो भी आप डाल रहे हैं वो बिल्कुल भी फटने का डर बिल्कुल नहीं रहता है। तो कभी भी अगर आप खट्टा सब्जी बनाते हैं या कढ़ी बनाते हैं तो उसमें बेसन जरूर फेंटिए। तो देखिए मेरा सब्जी जो है
अभी मतलब टमाटर इसका जो है सॉफ्ट हुआ नहीं है, तो जब टमाटर हमारा अच्छे से इसमें पक जाएगा तब हम इसमें दही मही जो भी है उसे ऐड करेंगे। तो देखिए कलर कितना अच्छा आया है, बहुत अच्छा कलर आता है। लेकिन अब जब लोहे की कढ़ाई में जब सब्जी बनाते हैं तो उसका जो स्वाद है और ज्यादा बढ़ जाता है। स्वाद तो बढ़ता ही है, साथ में आपको आयरन भी मिलता है। तो आप भी कोशिश कीजिए लोहे का कढ़ाई या फिर मिट्टी का बर्तन यूज करने का, क्योंकि जो एल्युमिनियम है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है, क्योंकि एल्युमिनियम जो है धीरे धीरे हमारे खाने के साथ हमारे पेट में जाता है, जो कि हमारे हानिकारक है। तो आप भी कोशिश कीजिए फ्रेंड्स कि आप भी लोहे का कढ़ाई या फिर मिट्टी का बर्तन यूज करें। तो अब यहाँ पर देखिए मैं टमाटर थोड़ा सॉफ्ट हो गया, तो मैं यहाँ थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ। करीब यहाँ पे मैं आधा गिलास से कम पानी डाली हूँ, और उसके बाद हम यहाँ पर जो फेंट के रखे थे दही या फिर मही उसे डाल देते हैं। अगर आप मही डाल रहे तो थोड़ा सा पानी कम डालिए, अपना देख के डालना है हमें, क्योंकि ज़्यादा रसा नहीं करना है। तो यहाँ पर जो दही मही जो लगा रहता है बर्तन में, उसलिए मैं थोड़ा सा पानी घोल के और इसमें डाल देती हूँ। और इसे हम अपना देख लेते हैं कि एकदम जैसे कि थोड़ा सा ग्रेवी रहना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा पकने के बाद थोड़ा सा इसका जो ग्रेवी है और कम होता है। तो हमें अगर लगता है कि ग्रेवी कम है तो हम यहाँ पर थोड़ा सा पानी ऐड और कर सकते हैं। अगर आप मही में बना रहे हैं तो उतना ज़्यादा पानी डालने की जरूरत नहीं पड़ता, क्योंकि मही जो है वो पतला होता है और दही हमारा थोड़ा सा गाढ़ा होता है, इसीलिए हमें यहाँ पर थोड़ा सा पानी ज़्यादा ऐड करना पड़ जाता है। अब इसे हम अच्छे से बॉईल होने देंगे, इसे ढक कर पकने देते हैं जिससे कि अच्छे से बॉईल हो जाए। और उसके बाद इसका जो खुशबू है, बहुत अच्छा खुशबू आता है जब ये पकता है, तो इतना अच्छा खुशबू आता है फ्रेंड्स, आप जरूर इस देसी सब्जी को बनाइए, बहुत स्वादिष्ट बनता है। और अगर हम खाना जब चूल्हे में बनाते हैं तो फिर उसका स्वाद तो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। देखिए कितना अच्छा कलर दिख रहा है, आप देख सकते हैं कि कलर भी कितना अच्छा आया है। आप इसे एक बार अपने किचन में जरूर बनाइए। तो ये देखिए मेरा बॉईल होना शुरू हो गया है। अच्छे से बॉईल हो जाने के बाद इसका ग्रेवी देखिए अभी थोड़ा इस टाइप से है। अभी मैं गैस को बंद कर दूंगी, क्योंकि ठंडा होने से और ये गाढ़ा हो जाता है। तो थोड़ा सा ग्रेवी हल्का सा पतला रखिए जब गैस बंद करते उस टाइम में, क्योंकि जब ठंडा होता है तो वो ऑलरेडी गाढ़ा हो जाता है। गैस को बंद कर दी हूँ। तो देखिए कितना टेस्टी सब्जी बना है फ्रेंड्स। तो देखा कितना आसान है सब्जी बनाना ये वाला, तो आप जरूर ट्राई कीजिएगा। आई होप आप सभी को पसंद आएगा। और ऐसे ही छत्तीसगढ़ी रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बहुत ही अच्छी अच्छी रेसिपी है, सभी का प्लेलिस्ट मैंने तैयार किया है, आप जाकर देख सकते हैं। कई प्रकार की भाजी का रेसिपी आपको मिल जाएगा, और भी देसी स्टाइल का सब्जी मिल जाएगा, और भी बहुत सारी रेसिपीज है, आप जाकर प्लेलिस्ट चेक कीजिए। तो चलिए फ्रेंड अगले वीडियो मिलते, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।